फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। यहाँ पे क्या इनफाइनाइट प्लेन सीट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा। सबसे पहले देखते हैं सरफेस का डिवीजन किस तरीके से और यहाँ पे फ्लक्स कैसे डेवलप होगा। इस तरीके से सरफेस डिवीजन है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दो सरफेस हो जाएगा, एक सरफेस ये हो गया, एक यहाँ पे आउटर डायरेक्शन में निकल रहा है बाहर की तरफ, ये सरफेस हमारा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया हमारा, यहाँ पे क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, मेन समय आप लिख सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा सिग्मा इनटू ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होगा आउटर डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल रही है, क्योंकि हमारे पास ये क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से फील्ड है। क्वेश्चन में लिखा गया है, देखो यहाँ पे जो डेरिवेशन है वहां पे लिखा गया यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है। ठीक है, ये चार्ज सीट मीन यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बाहर डायरेक्शन में होगा आउटर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ दो साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर हो रही है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या होता है हमारा ई डी एस होता है। तो एरिया हमारा क्या ए दिया गया, तो मीन्स क्या हो जाएगा ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया, दो साइड हो गया हमारे पास एक प्लेन सीट के लिए, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा टू ई इंटू ए के इक्वल हो जाएगा हमारा फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है चार्ज की बात कर लेते हैं, चार्ज कितना डेवलप हो रहा है, हमने यहाँ पे चार्ज लिखा है सिग्मा इनटू ए, देखो कि फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे जरूरत है कैलकुलेट करने की, चार्ज क्या होता है सिग्मा इनटू ए के इक्वल हो जाएगा हमारा चार्ज, तो हम फ्लक्स को ये भी लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे इससे रिलेट कर देंगे, मीन्स फ्लक्स की जगह सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स क्या हो जाएगा 2EA। यहां से अगर हम देखते हैं ए ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ई इक्वल्स कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इसको ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट के लिए, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम बात करें यहाँ पे तो E का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका R के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे R क्या है ये डिस्टेंस है, ये R जो होती है हमारी ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड में R कहीं नहीं आ रहा, मींस इस R से इनवर्स रिलेशन होता है। अगर सीट पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है एक कंडीशन और बात करते हैं, इफ सीट इज पॉजिटिवली चार्ज तो वहां पे जो सिग्मा होगा वो जीरो से ग्रेटर होगा, मीन सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो अवे होगी, ठीक है बाहर की तरफ निकलेगी। सेकंड केस हमारे पास जाहिर सी बात है पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, सेकंड केस हमारा निगेटिव के लिए है, अगर निगेटिव होगी तो यहाँ पे क्या होगा सिग्मा इज लेस देन जीरो, सिग्मा क्या होगा जीरो से कम होगा और यहाँ पे फील्ड क्या होगी इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है किसके लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट।